केंद्र सरकार वालों पास की गई खेती कानूना दे विरोध विच चल रहे किसानी अंदोलन 6 महीने पूरे होने ते अज किसानां वालों काला झंडा दिवस मनाया जा रहा है। कुलथ तो विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने भी किसानी अंदोलन के समर्थन दे विच काला झंडा लहराया। इस मौके खहरा मोदी सरकार नूं लांतां पाउंदे नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नूं शर्म आनी चाहीदी है। कड़कदी ठंड तो हुण तिखी गर्मी आ गई है, पर मोदी सरकार ने अपनी जनता की सार नहीं ली। ये सरासर इंसानियत की बेकदरी है। इन्ना जुलम तो कोई तानाशाह भी नहीं करता। किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल दी सी कि 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा सारे पंजाब, सारी दुनिया, सारे भारत में। जिस ढंग के नाल इस मोदी सरकार ने बेकदरी की, ना सिर्फ किसानों की की, इंसानियत की की और तुहीन की। 6 महीने पहला ठंड कड़कती तो हुण तपती गर्मी दे विच अपने सारयां दे पंजाब दे लोकां दे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारे देश भर के किसान, जिन्हां च बजुर्ग औरतां ने, जिन्हां च बजुर्ग बंदे ने, जिन्हां च बच्चे ने छोटे छोटे, वो सारे दिल्ली की बरूहां दे उत्ते बॉर्डर दे उत्ते पिछले 6 महीनों तो बैठे हुए हैं। कुछ थोड़ा समा नहीं होंगे। इहदा मतलब साडी सरकार एडी बेशर्म है कि इहदे भावां सिर च जुत्तियां मारो, भावें इहनूं किसी तरह का भी विरोध करो, इहनां दी सेहत ते कोई असर नहीं है। सारा इंटरनेशनल मीडिया थोड़े दिन पहला, कोई 5-4 दिन पहला, जिदन साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो मगरमच्छ के हंझू वहाए से ना कोविड दी मौतों लैके, दुनिया भर की सब तो बेहतरीन अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट है, अमेरिका च नंबर 1 पेपर है, अपने भी इंडिया च टैलीग्राफ कैलकटा चु निकलता। इन्हों 2 अखबारों ने फ्रंट पेज पर मगरमच्छ बना के ना तो वो हंझू वगदे दिखाए, तो नाल लिखा कि जेडे मगरमच्छ होंगे ना वो अपने बच्चों को मरदिया देख के या मौत देख के वह रोंदे ने, तो उन्होंने हंझू निकलते हैं। पर एक कहावत बनी हुई है, जो कोई आदमी ड्रामा करता, जो आदमी कोई मजाक उड़ाता किसी का, जो कोई आदमी फर्जी गल करता, फिर आप अक्सर कहने कि इन्हें मगरमच्छ के हंझू वहाए ने। तो कोविड अपने ही सारे भैन भरा ने, साडे देशवासी जिहड़े मरे ने, साडे सब की बहुत दिलों तय दिलों उन्होंने नाल हमदर्दी आ। ये कोविड में भी फेल होए ने, कोई बंदोबस्त नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई बैड्स नहीं। जिहड़ी वैक्सीनेशन साडी सी कि बच्चों भारत च लगनी सी, जिन्हां ने बचना सी वो चक के पहला ही विदेशों में भेज दी, तो हुण असी वैक्सीनेशन तो भी वांझे हाँ। बेसिक हैल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर तो 75-77 साल की आज़ादी तो बाद वांझे हाँ आपां। तो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली च बैठ के कभी वो अपने मन की बात तो कभी कोई प्रोग्राम उलीक के बिल्कुल की कहिंदे जमीन नाल कट्टे हुए लोग जिहड़े हुंदे उस तरह के नाल अज सरकार चल रही। चंगे चंगे विद्वानों ने लिख दिता कि क्योंकि हुण उहदे कोल मजोरिटी आ मोदी सरकार विच तां बणिया रह सकता, पर की इहदे विच इच्छा शक्ति है इस देश नूं चलाउण दी, इहदे ते वड्डा सवालिया चिन्ह ला के चंगे चंगे लेख लोकां ने लिखे ने। और मैं वापस किसानां दे आउणा वां कि देखो 400 तों उत्ते किसान, बजुर्ग, मातावां, भैणां, भरा, उहनां दी मौत हो चुकी है। एक लफ्ज़ नहीं कढ़िया इस आदमी ने, एक लफ्ज़ बीजेपी की सरकार ने कि हाँ साडी इहनां लोकां दे नाल हमदर्दी आ। देशों विदेशों में जोड़े हादसे होंगे ने उन्होंने वास्ते किसान उन्होंने कोई और उल्टा हिसार में लाठीचार्ज करके जिदा बेरहमी के नाल उन्होंने कुटिया मारिया गया, एक आदमी की मौत हो गई। ये बहुत माड़िया गल् ने, यह संकेत ने कि असी जिदा किसी वेले मुगल होंगे सी ना, मुगल तो वह कहें असी तानाशाह हाँ, असी जमहूरीयत कोई विश्वास नहीं रखते। लेकिन साढ़े देश में इस वक्त जमहूरीयत का पहरावा तो जमहूरीयत का पड़दा वा सिर्फ, तो अंदरों तानाशाह वाले काम अज सानू देखने को मिल रहे हैं। मोर्चे की कॉल पर जिहड़ियां समूह जथेबंदियां ने 32 जथेबंदियां उन्हां दी कॉल पर असी अज हलका भुलथ के निवासी, पंजाब के बल्कि दुनिया भर के लोग जिहड़े ने असी काले झंडे ला के अपने अपने घर अपने अपन गड्डिया के उत्ते असी जिहड़ा इसका डट के विरोध करते हैं। और गवर्नमेंट नूं चेतावनी समझ लो कि घट्टो घट जायज़ गल्लां, किसान वह वर्ग आ जिन्होंने सारी जिंदगी इस देश की फूड प्रोडक्शन वास्ते झोंक दिती, वह तो सारे अज आत्महत्या कर रहे हैं। तमिलनाडु के किसान, तमिलनाडु तो लैके पंजाब के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर देश में एक बार उन्होंने रजदा कर दिता। तो अब ये व्यवहार कर रहा है, इन ज़्यादा शर्म
ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੰਤਰੀ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਾਗੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।